हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल किताब के ज्ञान में। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप कुछ स्पेशल सर्किट्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। आपने अपने बुक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपके किसी क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट दिया हुआ है, अगर आपसे पूछे उसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम आपके लिए कुछ आज स्पेशल सर्किट लेकर आए हुए हैं जिसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई सर्किट दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट दिया हुआ है आपका। अब आपको क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए, आप करते क्या हो, आप यहाँ से करंट आई को फ्लो कराते हो, यहाँ से आई फ्लो कराते हो, फिर ये करंट आई यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अब जब यहाँ से क्रॉस किया तो यहाँ भी, अब जब आप यहाँ से क्रॉस कराते हो तो यहाँ पे करते हो आप आई वन, यहाँ से करते हो आप आई माइनस आई वन। ठीक है, फिर सेम करंट यहाँ फ्लो कराते हो आई माइनस आई वन, फिर आप ये करंट यहाँ फ्लो कराते हो आई वन, यहाँ से आई माइनस आई वन, फिर से कंबाइन करते हो करंट को, फिर यहाँ से आप आई ले जाते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर ले जाते हो, फिर आप इतना करने के बाद आप फिर किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करते हो, ठीक है, उससे सॉल्व करते हो, तो आपका वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको ऐसा सर्किट देगा जिसमें ये दो रेजिस्टेंस जो हैं, ये फोर है, ये फोर है, ये फाइव है, ये फाइव है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सेम हो और ये दोनों रेजिस्टेंस सेम हो और बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सर्किट दे तो आपको ये सॉल्व नहीं करना है इस तरह से, आपको कोई भी करंट फ्लो नहीं कराना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, सिंपली मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, आपको लिख देना है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए जो मेरा ये रेजिस्टेंस है ये R1 है, ठीक, ऐसे ही रेजिस्टेंस है दूसरा वाला, ये R2 है और इसको हम मान लेते हैं ये R3 है। अब देखिए, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ठीक है, तो अगर ये R1 है तो ये भी R1 हुआ, ऐसे ही ये 5 ओम है, ये R2 है, तो ये भी 5 ओम है तो ये भी R2 हुआ। ठीक है, और R3 तो सिंगल है। तो अब देखिए करना है कि आपको R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू R1 R2। ठीक है, R1 और R2 दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 से इंटू कर देंगे। अब क्या करना है, प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे, फिर R2 को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 इंटू R3, ठीक है, अब R3 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 R3, ठीक है, अब इस पूरे को डिवाइड करना है, इन तीनों को हम सम करेंगे, तो R1 प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, अब देखिए, ये जो आर थ्री है, मतलब ये जो बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यही आपका सॉल्व करना है, आपका इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, फोर ओम है, फाइव ओम है, सिक्स ओम है, और इसको ए और बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए R इक्विवेलेंट ये जो होगा 2 इंटू R1, R मेरा 4 है, इंटू 4, R2 हमारा क्या है 5 है, इंटू 5, ठीक है, प्लस अब R2 करना है, तो R2 हमारा 5 है, R3 6 है, 5 इंटू 6, फिर प्लस 6 इंटू 4, ठीक है, इसको डिवाइड करना है,
R1 4, R2 5, R3 6 है, 6 into 2 12, तो हमारा जो R equivalent होगा होगा 4 5 जा 20 into 2 40 plus 5 6 जा 30 plus 6 4 जा 24। इसको डिवाइड करेंगे 4 5 9 प्लस 12 21, तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा 40 30 70 24 94 डिवाइड बाय 21 ये ओम। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे डेसिमल में आएगा तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो अगर हमें सर्किट दिया हो जिसमें ये रेजिस्टेंस ना हो कैपेसिटर हो तो हम उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए उसका भी हम कुछ एग्जांपल ले लेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एस सी वर्मा क्वेश्चन है। यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ थ्री है, यहाँ पर थ्री है और सेंटर में फोर दिया हुआ है। ठीक है, ये था आपका 1 μF, ये था आपका 3 μF, ये है आपका 3 μF, ये है आपका 1 μF और ये आपका 4 μF। ठीक है, क्वेश्चन था फाइंड द इक्विवेलेंट। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3 और इसको ही 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 इंटू 2। ठीक है, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 12 प्लस इसको इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 1 4। अब डिवाइड करना है 3 प्लस 1 4 प्लस अब जो भी सेंटर में उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 जा 8 तो यहाँ पर 8 हो गया। तो 3 2 जा 6 प्लस 12 और 4 16 8 और 4 12 ये आपका हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, 16 प्लस 6 22 बाय 12 तो 6 11 तो हमारा 11 बाय 6। ठीक है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 11 बाय 6 म्यू। तो आज के इस वीडियो के लिए मैं एस सी वर्मा सर को थैंक्स कहना चाहूँगा। तो प्लीज़ 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 अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के ट्रिक्स के साथ, इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।